मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कॉर्पोरेट हाउस इस पिक्चर को उठा करके पूरे इंडिया में रिलीज करना चाहती थी, लेकिन आपका मेन सेक्टर है बिहार झारखंड। बताऊँ क्या कहा उसने, बिहार झारखंड में अपना कोई होल्ड नहीं है। और इतनी बड़ी नामचीन कंपनी है, इतनी बड़ी नामचीन, हम तो दंग रह गए कि बिहार झारखंड में उसका कुछ नहीं है। ये क्यों, जब इतना बड़ा हमारे देखो तो प्रोड्यूसर की ताकत इतनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर कॉरपोरेट हाउस की इतनी होती है कि वो पब्लिक का पैसा है, लेकिन वो कहता है बिहार जा। तो अभी भी वो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। मैं जानता हूँ आने वाले सालों में वो भी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी की गवर्नमेंट है, आप लोग चेंज कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और चेंज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड का एक्टर नहीं करना चाहता। आप मुझे बताओ, बॉलीवुड के एक्टर बिपाशा जी से लेकर सब बंगाली फिल्में क्यों कर रहे हैं? एक ज़माने में 2-3 साल पहले बंगाली फिल्में ख़त्म हो गई थी, आज बंगाली फिल्में कहाँ से कहाँ आ गई हैं। विलेज जाते हैं शूट करने के, आज की तारीख में अच्छे गाने हैं, मराठी फिल्में बनती हैं सेम बजट में, पंजाबी तो इन सबको पीछे छोड़ करके सबसे ज़्यादा बजट है, तेलुगु ये सब, तेलुगु साउथ की तो छोड़ ही दीजिए ना, उनके तो हम लोग बराबर कर नहीं रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में मानते हैं, बट उनकी बजट क्या होती है। तो ये भोजपुरी के लिए मैं कहता हूँ ना, हमने सुना है कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनेगा, मैं कहता हूँ आपकी सब्सिडी कहाँ चली गई है, आप किस तरीके से प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रहे हैं। गोवा जैसे छोटे स्टेट में वन विंडो उन्होंने खोला हुआ है कि आप गोवा आइए, हम आपको सब फैसिलिटी देते हैं शूट करने के लिए, सब परमिशन एक खिड़की से देते हैं, और आपको 35% हम लोग टैक्स की सब्सिडी देते हैं एक मेकर को। सर गोवा क्यों जा रहे हैं लोग? महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को क्यों दिया जाता है? बंगाल में बंगाली फिल्मों को क्यों दिया जा रहा है? और आपकी तो इतनी जानी मानी इंडस्ट्री, इसके मतलब बातें हैं, हुआ कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब तक आप करोगे नहीं और एक सिस्टम को डालोगे नहीं, स्ट्रगल चलता रहेगा, सर्वाइव करेगी आपकी इंडस्ट्री, सर्वाइव, लेकिन जितनी तरक्की होनी चाहिए। अभी आप बताइए, भोजपुरी भाषा में बात करने वाले आपके फिजी आइलैंड में इतने हैं, आपके एम्स्टरडैम में इतने, अपने मॉरिशस में, आपकी फिल्में विलय तो जाती नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है यहाँ पे कि भोजपुरी फिल्म बिके। सिंपल सोचधारा, और ये गलत है मेरे हिसाब से, सिंपल सोचधारा जी फिल्में बनती है ऑटो रिक्शा वालों के लिए। अरे हैं वो दर्शक, बहुत बड़े तादाद में बहुत अच्छे दर्शक हैं, लेकिन बाकी सब क्या, आपने उनको एलियनेट ही कर दिया, आपने उनको सीधा हिंदी फिल्मों की तरफ भेज दिया, उसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। बिहार से बाहर के महानगरों में वर्तमान में भोजपुरी फिल्मों का क्रेज कैसा है? क्योंकि जैसा कि माना जाता रहा, पंजाब में बहुत ज़्यादा भोजपुरी भाषी हैं या महाराष्ट्र में भी हैं, और इसके अलावा दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा भोजपुरी भाषी मजदूर वर्ग, तो वहाँ वर्तमान क्रेज कैसा है भोजपुरी फिल्म? देखिए जहाँ तक भी मैं गया हूँ, जो कुछ भी मैंने देखा, मेरी फिल्में तो अभी रिलीज़ हो रही हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, यूपी, पंजाब में, हर आदमी को अपनी ज़ुबान से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो जब कुछ अपना आता है तो वो तो जाहिर है कि वो देखना चाहता है। हिंदी फिल्में तो मातृभाषा है तो सब लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जो पर्सनल भाषा होती है, अगर कुछ आ रहा है तो उसको एक थोड़ा लगाव होता है। तो पॉपुलैरिटी बहुत है, लोग बहुत उसको पसंद करते हैं और लोग जाते हैं देखने के लिए और बहुत बड़े संख्या में जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल आपकी इंडस्ट्री ऐसी हो कि भोजपुरी भाषा वाले तो देख ही रहे हैं, आप वो सिनेमा बनाइए कि लोग जो दूसरे भाषा में बात करते हैं वो आपके प्रोडक्ट को देखना चाहे। हम लोग बंगाली फिल्में देखते हैं और हम कहते हैं यार इसको थोड़ा इंडियन करो, हिंदी फिल्म वाले साउथ की फिल्में देख के रीमेक क्यों करते हैं, लेकिन भोजपुरी हिंदी की हिंदी फिल्मों को लेकर रीमेक करते हैं। तो आपके यहाँ लोकल कहानियाँ हैं, आपके यहाँ इतिहास है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तीसरी कसम थी जिस पे फिल्म बना, तीसरी कसम रेणु की कहानियों पे तीसरी कसम बनी थी, जो आज भी लोगों के मानचित लोगों का दिमाग, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए जब आपको पता है कि फिल्म जब फ्राइडे को लगती है, देवदास यहाँ का उपन्यास, हाँ करेक्ट, सरस चंद्र ने यही भागलपुर से मुजफ्फरपुर आकर के लिखा था। जी जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब यहाँ के आपके पास सारे जितने भी राइटर्स हैं, किताबों के
सब इसी बिहार की धरती के हैं। लेकिन राहुल राय जी से जानना चाहूँगा कि आज का जो दौर है जिसमें कि बहुत सारे महान कलाकार अमिताभ बच्चन भी भोजपुरी फिल्म उद्योग की ओर आ रहा है, तो आज इस जो मुकाम भोजपुरी फिल्म धीरे धीरे जो दो दौर से निकलने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक कामयाब हो पा रहा है? देखिए, समय लगेगा बट निकल जाएगा। लेकिन क्या है, कोई भी जब बाहर से प्रोड्यूसर आता है, मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशल रेड कारपेट लगाइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसी हरकतें मत करो जिससे वो भाग जाए। क्योंकि क्या है, जब इस बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर काम करता है, तो वो हिंदी में कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। लेकिन जब बाहर से कोई आता है और यहाँ पे लोगों को काम देना चाहता है, यहाँ बिहार को समझना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, तो उसके लिए अगर एक आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो मिनिस्ट्री है, खोलती है एक विंडो, तो लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। लोग समझेंगे कि इतना खौफनाक जगह नहीं है ये। लोग उतने, जैसे किसी भी और क्षेत्र हिंदुस्तान में आप काम करने जाते हैं, बिहार भी एक बहुत खूबसूरत स्टेट है जहाँ पे आप आके काम कर सकते हैं। तो जितने लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, वो बिहार स्टेट और बिहार स्टेट की जो छवि है वो पहचानेगी और बाहर जाके बात करेगी। तब टूरिज्म आपका बढ़ेगा, तब विलायत से भी लोग आएंगे। आप ताजुब करेंगे, 2-3 दिन पहले मैं इसी होटल में था, हॉलीवुड के इतने बड़े नामचीन एक्टर को मैं यहाँ मिला। मतलब मैं उनका फैन हूँ, हीरो है वो यूनिसेफ के कुछ काम के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट में कोई आता नहीं है, आते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मीडिया का कुछ ज़्यादा था नहीं, शायद आप लोगों को पता था नहीं था, वो मुझे नहीं मालूम। लोग आते हैं और वो और मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए बात कर रहे थे कि इतनी फैसिनेटिंग जगह है, इतनी अच्छी जगह है, लोगों का दिल कितना प्यार है, कितना, मतलब वो इमोशनल बहुत है यहाँ पे, बहुत सेंसिटिव है, इतने अच्छे हैं। तो प्लसेस बहुत हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि इनके भोलेपन को या इनकी जो मासूमियत है उसे खींच करके हम लोग कहीं भी लेके जा रहे हैं। तो कुछ हद तक हम प्रोड्यूसरों की भी जिम्मेदारी होती है, हम आर्टिस्टों की भी जिम्मेदारी है कि हम उस थर को हम लोग बढ़ाते रहें और बेटर करते रहें। राहुल राय अपने बारे में बताएं कि राहुल राय का जन्म कहाँ हुआ और परिवार में मैं मुंबई में पैदा हुआ था, मेरा एक जुड़वा भाई है, मेरी तरह दिखता नहीं है लेकिन दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मैंने पहले 21 साल गुजारे, मैं वहाँ पे सेंट कोलंबस हाई स्कूल में पढ़ता था, जिसमें शाहरुख खान जी भी मेरे क्लासमेट थे, हमारे सारे क्लासमेट्स एक थे। फिर मैं एक बोर्डिंग स्कूल गया था हिमाचल में, हिमाचल में जा कर के मैं वहाँ पे लॉरेंस स्कूल, सनावर स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ता था। संजय दत्त जी मेरे सीनियर थे एंड पूजा बेदी मेरी 1 साल जूनियर थी। अपूर्वा लाखिया जो बॉलीवुड के एक नामचीन डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ 1 साल छोटा था। तो हम सब वहीं पे पढ़े थे। बीच में मैं कनाडा 1 साल पढ़ने गया, पढ़ाई ख़त्म करने बाद 1 साल मैं चला गया था, गॉर्डनस्टन स्कूल है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। फिर दिल्ली में मैं भगत सिंह कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, बीकॉम कर रहा था मैं, ख़त्म करके उस दरमियान में मॉडलिंग कर रहा था मैं। कुछ बहुत ही नामचीन फैशन डिज़ाइनर था दिल्ली में, वो अब नहीं रहे। तो 2-3 साल में कर रहा था मॉडलिंग, और मैं अपने पिताजी का बिजनेस था, मैं वो संभाल रहा था। हम लोग इम्पोर्ट करते थे वूल, और तब मेरी मदर यूनिसेफ के लिए, 35 साल काम कर रही थी यूनिसेफ के लिए, तो उनका एक आर्टिकल आया था मैगजीन में जो भट्ट साहब ने पढ़ा, 89 में उन्होंने वो मैगजीन पढ़ा और वो मिलना चाहते थे उनसे, क्योंकि भट्ट साहब रियल लाइफ के लोगों से मिलना चाहते, कहानी में डालना चाहते। तो उन्होंने मेरा फोटो देखा, वो मेरी माँ एडिटर ऑफ द मैगजीन मिले थे, तो उन्होंने मेरा फोटो देखा और पूछा कि अगर मैं काम करना चाहता हूँ फिल्मों में। तो मैं बॉम्बे में उन दिनों था, कुछ फैशन शोज थे, एक प्रिंट का ऐड करना था मुझे, तो मैं चर्च गेट रहता था और भट्ट साहब जुहू में थे। तो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं पहली बार
चर्च गेट से मैं जुहू गया था, क्योंकि मुंबई में मैं ज़्यादा टाउन साइड में रहता था अगर मैं आता था, तो संडे का दिन था मुझे याद है। और पहली 10-15 मिनट में भट्ट साहब जब मिले तो उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया फिल्म करने के लिए, और फिर वो मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, और जान के पहचान के उनके ऑलरेडी दिमाग में जो कहानी थी तो वही के मेरे, मुझे मेरी पर्सनालिटी को देख के मुझे जानते हुए उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे कैरेक्टर को अडेप्ट किया। रीमा लागू जी ने, जिन्होंने मेरी माँ का रोल प्ले किया, उनको मेरे मदर का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आधारित करके थोड़ा सहयोग किया। इसलिए आशिकी जो है उसकी जो जीत रही है वो सिर्फ म्यूज़िक पे आधार नहीं है, वो क्योंकि हम लोग सब रिलेट कर सकते थे, एक लव स्टोरी को रिलेट कर सकते, तो उसमें एक आत्मा आ गई थी उस प्रोजेक्ट में। देखिए फिल्म वही हिट होती है, एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन उस पिक्चर में जब एक आत्मा आ जाती है तब वो फिल्म ज़्यादा बेहतर करती है। फिर एक बार ही वो पिक्चर हिट हो गई तो फिर क्या 70 हफ्ते चली थी, तो फिर तो पीछे मुड़ के देख रहे नहीं था। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी फिल्म उद्योग के सुधार के लिए क्या क्या किए जाने की जरूरत है, क्योंकि राहुल राय केवल निर्देशक ही नहीं एक निवेशक भी है, और स्वाभाविक है कि अगर आपको रिटर्न नहीं होगा तो आप निवेश क्यों करेंगे बोला, क्योंकि भोजपुरी फिल्म में आमतौर पर मसालों का यूज काफ़ी होता रहा है, डांस के लटके झटके या इसके अलावा मारपीट की हिंसा काफ़ी अधिक रहती है, क्या लगता है किस तरह की फिल्में बनाएंगे? देखिए मुझे मारपीट से कोई आपत्ति नहीं है, लटके झटके मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये फिल्म म्यूज़िक और जो डांस होता है तो हमेशा अच्छे लगते हैं। मुझे अश्लीलता से आपत्ति है, जब हम लोग अश्लीलता, देखिए एक होता है कि आप एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेके उस चीज़ को पुश करते हैं, और एक चीज़ होती है जो प्योर एंड सिंपल अश्लीलता होती है और डबल मीनिंग डायलॉग होते हैं। कोई भी इतना जो आपकी ऑडियंस है या कोई भी है इतने मासूम नहीं है या इतने भोले नहीं है जो उनको समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को क्रिएट करके आप फिल्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी फिल्में बनाइए, क्लीन फिल्में बनाइए तो क्या होता है, और उसका प्रचार अच्छा कीजिए। एंड एज अ प्रोड्यूसर मैं यही चाहता हूँ, बिहार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिल्म मेकिंग उसको तैयार करें। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कैमराज अवेलेबल होने चाहिए, यहाँ पे लाइट्स अवेलेबल होने चाहिए, आपको अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत, मैं लेटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ वर्किंग कंडीशन के अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि आप बॉम्बे से लेके आते हैं ठीक है अभी लेके आना है तो लेके आएंगे, लेकिन अगर आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ बिहार स्टेट की है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम होना चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए। जब प्रोड्यूसर आता है तो जो जो एरियाज़ को आप टूरिज्म के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर को एक टैक्स सब्सिडी, होटल्स की बुकिंग, वहाँ की अरेंजमेंट, वहाँ का गाड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, एक हमारे को अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर होती हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक दो प्रोड्यूसर क्या 20-25 प्रोड्यूसर आपके पास यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक समय के यूथ आइकन रहे और जिनके हेयर स्टाइल का युवाओं के बीच में काफी क्रेज था, बिहार के युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहिए? बिहार के यूथ, मैं तो कहता हूँ आज के यूथ बहुत समझदार है। मैं यही कहना चाहता हूँ उन्हें कि जब भी आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री में हो, और चाहे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ के आप वो प्रोफेशन को चूज़ करें, और जो रास्ता आप अपनाना चाहते हो उस प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। एक आधे लोगों की शॉर्टकट से अगर उनकी ज़िंदगी सक्सेस हुई, इसका ये नहीं मतलब कि अगर मैंने वो धारा पकड़ ली तो मेरा भी सक्सेस वैसा होगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स, आपको मेहनत करनी है, आपको देखना कि आप एजुकेटेड हैं उस क्राफ्ट में। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग स्कूल में जाना चाहिए, अगर आप डांसर होना चाहते हैं तो डांसिंग स्कूल में जाना चाहिए, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप डायरेक्शन सीखिए, कि जान पहचान आपको उस दरवाजे तक लेके आ सकता है। दरवाजे के आगे आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी टैलेंट, और फिर जो लक फैक्टर है जिस पे किसी का कोई हाथ नहीं है, नसीब कहो लक फैक्टर हो, वो किसी का हाथ में नहीं है, वो आगे लेके जाएगी, लेकिन देर आर नो शॉर्टकट्स, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट डरो मत, इफ़ यू रियली बिलीव इन इट, डटे रहो, आपको मिलेगा। एक एक बात सीधे सीधे कहा जाता है कि जो
अरे भोजपुरी फिल्म में बड़ी अश्लीलता है, ये है, लेकिन जहाँ तक जितने भी हिंदी फिल्म आप देखें उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से मिला जुला हुआ आपको ट्विस्ट मिलेगा ही, सो एक्शन वो मिलेगा, वो आरोप भोजपुरी फिल्म पर क्यों? अगर वो वही चीज़ हिट कराती है हिंदी फिल्म्स को तो वो आरोप भोजपुरी फिल्म को क्यों? सर सर छवि बनी है ना, आप लोग खड़े होके फाइट नहीं करते हो ना इस चीज़ पे? ये तो आप पहली बार हमसे सवाल पूछ रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है कि खुद ही जो है आरोप तो है ही, आरोप इसलिए है क्योंकि उस टाइप की फिल्में दिखती हैं, और खुद ही जब आप किसी भी चैनल में जाते हो या किसी भी आप मीडिया के साथ बात करते हो तो सवाल पहले ही आता है कि हम भोजपुरी वाले ऐसी अश्लील फिल्में बनाते हैं, तो आप पहले ही झुक के बात कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो जब आदमी खुद ही कह रहा है कि मैं कसूरवार है तो सामने वाला तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही। और हम लोग हिंदी फिल्म में क्या होता है, मसाला डालना है, तो जब मसाला अगर डालना है तो पुश करना, मैं तो कहता हूँ वो भी कसूरवार है, लेकिन जब वो मसाला डालना है तो वो सीधा अच्छा उस इस कैरेक्टर को यूपी का लेके आ जाओ या इसको बिहार का लेके आ जाओ, क्योंकि वहां ऑलरेडी माइंडसेट है जनता की कि वहां के लोग ऐसे ही हैं। तो इस पे आपको खड़ा होना चाहिए। जब देखिए क्या, जब आप चेंज करेंगे, जब आप चेंज करेंगे अपनी छवि को तो दूसरे लोगों को, हाँ भैया चेंज तो हो गए वो, अब नहीं कर सकते हम लोग, आप ही चेंज नहीं हो रहे तो दूसरे फायदा उठा के कर रहे हैं ये सब। तो मैं देखो पक्षपात नहीं कर रहा हूं कि ये सही है ये गलत, हमको खुद अपने इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए, खड़े होके हम लोग चेंज करेंगे, वैसी सिनेमा बनाएंगे, खुद ब खुद लोग चेंज हो जाएंगे। आपने दबंग की बात की थी, दबंग में एक गाना था मुन्नी बदनाम हुई, तो मुन्नी बदनाम हुई बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में पहले से गाना गाया जाता था, एक लोंडा बदनाम हुआ गाना हुआ करता, सुनने में है मुझे, सुनने में है, ये आज के गाना नहीं है, लोंडा करेक्ट बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए गाना था, बहुत पहले पैजी हमारे इलाकों में गाया करती थी, जितने भी फिल्म बनते हैं उसमें इस तरह के गाने हुआ करते थे, उन्होंने कॉपी करके इतनी हिट हुई फिल्म और बड़े चाव से पूरे देश ने विदेश में से सुना गया। आप अगर गौर करें तो ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो वर्ड यूज करते हैं उसमें भी इतनी आपत्ति नहीं है क्योंकि सेंसर बोर्ड वहां पे है। आपत्ति कहाँ पे आती है, जब आप डांस मूवमेंट में दोनों लड़का लड़की ऐसे डांस मूवमेंट करते हैं जिसमें वो गाने में अश्लीलता बढ़ती है। हिंदी फिल्म में अगर आपने डांस देखा तो अश्लीलता मूवमेंट में नहीं थी, जो गाना था वो गाना था, उसमें अश्लीलता मूवमेंट में नहीं थी, लेकिन कुछ भोजपुरी, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप डांस मूवमेंट देखो सर, मैंने देखा, मैं तो 2 सेकंड में मेरे को बंद करना पड़ता है, बर्दाश्त नहीं होता वो। और मैं मानिए जब मैं कहता हूँ, मैं वर्ल्ड सिनेमा को देखता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा में मैं प्रूड नहीं हूँ, जहाँ पे अडल्ट सीन है या सेक्स है या कुछ है हम देखते हैं, हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जो डांस मूवमेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं या कैमरा जिस तरीके से आपके कुछ फिल्मों में लिंगर करती है, उससे साफ जाहिर होता है कि इंटेंशन क्या है। देखिए एक राज कपूर साहब भी होते थे, उन्होंने भी एक औरत को बहुत अलग तरीके से पेश करते थे, लेकिन कैमरा ऐसे लिंगर नहीं होता था कि एक ही पॉइंट पे आपका रुका हुआ है, इतना ऑब्वियस। यहाँ पे हमारे कुछ करते हैं ऐसा, तो उसमें फर्क क्या है, वो सीधा फर्क जो है ना ऑडियंस और जो लोग सिनेमा जाते हैं वो देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आज आपकी ऑडियंस बहुत होशियार है, बुद्धू नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो लास्ट आखिरी सवाल है, तो क्या राहुल राय भोजपुरी फिल्म उद्योग का राज कपूर होंगे जो कि इस फिल्म? सर मुझमें उतनी काबिलियत नहीं है, मैं अच्छी फिल्में बनाऊंगा, मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मेरी बैनर जो है, ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने बैनर को इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, एक तो जो भी मेरी काबिलियत है उससे उसमें अच्छे लोग जुड़े, अच्छे टीम मेरे साथ जुड़े, मैं एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिले तो मैं सीरियस फिल्म बनाऊँगा, लेकिन ऐसी फिल्म बनाऊँगा जो बड़े तादाद में, मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक फैमिली हो, मेरी कोशिश हमेशा वो रहेगी।
अब वो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म हो सकती है, वो कॉमेडी हो सकती है, वो ड्रामा हो सकती है. मेरे को ज़्यादा ड्रामा पसंद है, बट मैंने एंट्री लिया एक एक्शन फिल्म के साथ. मुझे उसका जवाब बिहार के जनता ने मेरे को दिया कि उन्होंने बहुत पसंद है, वो मेरी फिल्म के लिए मेरे लिए वेट कर रहे थे. तो वो जो प्यार और सम्मान उनके दिल में है, तो मुझे वो हौसला मिलता है कि वो प्यार और सम्मान है, तो मुझे फिल्में और बनानी चाहिए, तो मैं बनाता रहूँ.